बैंक इम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। चुनाचे हड़ताल के दूसरे दिन हैदराबाद शहर में वाक़े YMCA नारायणगुड़ा पर कैनरा बैंक के मुलाजमीन ने हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर हड़ताल में शरीक बैंक मुलाजमीन ने बैंकों को खानगियाने से मुतालिक मरकज की पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की। ANBF और CBOA का एक स्ट्राइक कॉल किया गया था जिसका आज सेकेंड डे है और हमारे ऑफिसर्स एसोसिएशन से 200 से ज़्यादा लोग आज आए हैं और 300 से ज़्यादा लोग कल आए थे। आज हमारा ये लड़ाई प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट 1999 में सबको पब्लिक सेक्टर इसलिए डिक्लेयर किए थे क्योंकि हम लोग उनके फोल्ड में आके हम लोग एक कंट्री को डेवलप कर सके। आज वो लोग उनका काम हो गया इसीलिए हमको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। ये हमारे लिए ही गलत नहीं है, सारी हमारी कंट्री के आम जनता के लिए गलत है क्योंकि प्राइवेट बैंक जब होगा, प्राइवेट बैंक्स गांव में और विलेजेस में छोटी छोटी गलियों में वो लोग प्राइवेट बैंक नहीं खोलेंगे। उनका मोटिवेशन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए होगा, पब्लिक सर्विस के लिए नहीं होगा। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर बैंक ज़रूरी है। हम लोग को पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक सर्विस करता आ रहा था और करता जाएगा। अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया तो ये जनता के लिए ही मुश्किल होगा, हमारे लिए तो होगा ही होगा, बट जनता के लिए, हमारी जो आवाम है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए आवाम से ये एक विनती है कि वो लोग जाने, अवेयर हो इस चीज़ के बारे में और हमको सपोर्ट करें इस लड़ाई में। TTV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और हाँ, प्रेस द बेल आइकॉन तो एवरी अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।